नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन और आप देख रहे हैं secondtyres.com। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टायर सेलिंग टेक्निक्स के बारे में। जो टायर बेचने की सबसे बेस्ट टेक्निक्स हैं, उन सब में से कुछ टेक्निक्स पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर टायर सेलिंग टेक्निक्स में यूज टायर जो सेकेंड हैंड टायर के जो कैटेगरीज हैं उसमें अगर आप बेस्ट टेक्निक्स देखना चाहते हैं कि कैसे किसको क्या टायर बेचा जाए, तो सबसे पहली चीज आपको समझनी जरूरी है कि आपके पास किस किस तरह का टायर है। उसमें आपको ये देखना होगा कि किस किस कौन कौन सा टायर किस किस तरह के कस्टमर को बेचा जाए। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, टायर का अगर आपके पास लॉट है, ठीक है, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। मान लो सबसे पहली चीज, मैं अगर कोई कार का टायर मान के चलता हूं, सबसे पहली चीज वो अच्छी, आप अच्छे अगर नए जैसी कंडीशन में, तो आप सबसे ज्यादा महंगे वाले कस्टमर को बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं 715 का टायर पकड़ के चलता हूं, बुलेरो पिकअप का टायर है, वो क्या है, आप लोडिंग में पीछे बेच सकते हो, सबसे अच्छी कैटेगरी का टायर है। इसके बाद में उससे हल्का है तो लोडिंग में आगे बेचो, इससे हल्का है तो लोडिंग में स्टेपनी में बेचो, और इससे हल्का टायर है तो किसको बेचो, आप तूफान में बेच सकते हो, क्रूजर में बेच सकते हो, तो ये सब गाड़ियों में बेच सकते हो। और हल्का टायर अगर है तो आप क्या कर सकते हो, उस टायर को रिम में फिट करके अलग अलग तरह की चीजों में, मतलब जैसे जो हल्के कम वजन वाले, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी गाड़ियां बनती हैं जैसे कि मिक्सचर मशीन है, ठीक है, जो कि मिक्सिंग करते हैं, मतलब सीमेंट वगैरह ये सब जो मटेरियल होता है ये सब मिक्स करते हैं, तो उसमें भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि किस तरह की क्वालिटी का टायर है आप उसको, उस तरह के कस्टमर को उसको बेच सकते हो। और सबसे पहली चीज, जैसे कि अगर सेकंड हैंड टायर आप बेचना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चार टायर किसी कस्टमर को बेचना चाहते हैं, हमेशा यूज टायर्स का अगर आप काम करते हैं, हमेशा कस्टमर को छह टायर पसंद कराए, किसी भी कस्टमर को आप बेच रहे हो, छह टायर अगर आप पसंद कराओगे तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर को फिट करेगा वो एक एक करके। अगर टायर कोई खराब निकलता है बाय चांस, फिटिंग में कहीं से कट निकलता है या कुछ भी निकलता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बाद में रिपेयरिंग करके दूसरे कस्टमर को बेच सकते हो। और इसको जैसे मान लो एक टायर खराब निकला, तो चार टायर जो सही थे, मतलब दो टायर खराब निकल गए, तो भी चार टायर आप उसको फिट करके दे सकते हो, ट्यूब लेस या ट्यूब डाल के, जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से दोस्तों, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिस तरह से आप कस्टमर को, मतलब आप अपने टायर की कैटेगरीज को अलग अलग तरह के कस्टमर्स को अलग अलग चीज बेच सकते हो, थोड़ा सा सोच समझ के करने का काम। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।